कोविड काळानंतर यंदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जयंती पर्व नागपुरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. काही ठिकाणी शिवकालीन युद्धकलेचे प्रदर्शन घडले तर काही ठिकाणी महाराजांचे दुधाने अभिषेक करून उत्सव साजरा करण्यात आला. तर बघूया उत्सवाची एक झलक. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त नागपुरात ठिकठिकाणी आयोजित कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तब्बल 2 वर्षानंतर हा उत्सव इतक्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. राजवाड्यातील शिवतीर्थावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे दुग्धाभिषेक करत पूजा करून आरती करण्यात आली. यावेळी शिवभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्वराज्य अर्पिल तुम्ही दुःखी रयते स जय देव जय देव. आज छत्रपती शिवाजी महाराज की जयंती जो तारीख के अनुसार जो है अंग्रेजी कालगणना के अनुसार वो हमने मनाई. आज सुबह 6 बजे महाराज को दुग्ध अभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया. उसके बाद में महाराज को हार पहनाया गया और उसके बाद महाराज की आरती हुई और आरती होने के बाद यहाँ ढोलताशा पथक ने अपना वादन किया. महाराज को अभिवादन करते हुए उन्होंने ढोलताशा किया और उसके बाद शिवकालीन प्रात्यक्षिक भी यहाँ दिखाए गए और काफ़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह था क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये सबके आदरणीय हैं और इस कारण ये इस साल का जो महोत्सव है बहुत बड़े पैमाने में कि लोगों ने है और कोरोना का जो संकट है अभी फिलहाल जारी है तो लोगों ने थोड़ा सा वो उसके ऊपर नियमों का पालन करना चाहिए यही हम आज के दिन. यावेळी विविध पक्षांच्या नेत्यांनीही येथे येऊन महाराजांना अभिवादन केले. नगराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून जनतेला या पवित्र सणाच्या शुभेच्छा दिल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज के जयंती उत्सव निमित्त आज यहाँ महल शिव छत्रपति संस्थान के माध्यम से आयोजित समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में माल्यार्पण किया गया और बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पर नौजवानों का हुजूम लगा हुआ है. नौजवानों के प्रेरणा स्त्रोत्र छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर के इस नूतन भारत के निर्माण में नौजवान संकल्प ले रहे हैं. मैं सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ. पूर्व नागपुरातील विजयनगर परिसरात सुद्धा शिवजयंती उत्सवाच्या स्मरणार्थ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने चिमाजी अप्पा व्यायामशाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शिवकालीन युद्धकलेचे पराक्रम दाखवून लोकांना मंत्रमुग्ध केले. तसेच अजून बरेच ठिकाणी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. धन्यवाद.